गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और जैसा कि अभी तक मैंने बताया था कि बोर्ड पर कि कैसे किया जाता है, और जितनी भी वीडियोस हो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस अपलोड हो रही है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, प्लीज़ उस चीज़ को आप देखिए और बच्चों को कराइए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप नहीं कराएंगे और फिर बच्चा जो है धीरे धीरे उस चीज़ को वो वर्क जो है कम होता जाएगा और बच्चा कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जो भी रिकॉर्ड है वो हम लोगों को पता चल रहा है कि आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि जितने भी पेरेंट्स इस चीज़ को देखते हैं वो हम लोगों को पता चलता है कितने पेरेंट्स देखे हैं, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो को। इससे ये लग रहा है कि आप लोग जो है इंजॉय करते हुए इस चीज़ को नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो आइए हम आज कॉपीज के माध्यम से बताते हैं कि कॉपी में कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ पेरेंट्स को ये ना पता हो कि लिखाना कैसे है। टीचर्स तो बोर्ड पे बता दे रहे हैं लेकिन कॉपी में कैसे करना है। तो आपको कौन सी कैसे टॉपिक डालना है, कैसे डेट डालना है, कैसे ऊपर क्लास का होमवर्क डालना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे और आपको कराना है। ओके, तो आइए हम कॉपी में बताते हैं और आप भी देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। ओके, जैसा कि पेरेंट्स मैंने बताया आपको कि जो कॉपीज़ आपको जूनियर के जी मिलेगी, बच्चा जो नर्सरी से करके गया है वो 1 इंच स्क्वायर की थी, और ये कॉपीज़ 1/2 इंच स्क्वायर की है, मतलब ये बॉक्स छोटे हैं तो ये 1/2 इंच स्क्वायर की हो गई। अब इसमें बच्चे को लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपकी और हमारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हाँ, प्लीज़ बच्चों के साथ लगे रहिए, उन्हें बताते रहिए। तो आइए हम बताते हैं कि आपको कैसे कॉपी में कराना है। सबसे पहले आप ऊपर ये ऐसे CW डालिए, अगर CW में हम दे रहे हैं तो CW डालिए, और SW में देंगे तो SW डालिएगा। तो CW ये ऐसे डालिए, उसके बाद है फिर डेट डालिए, डेट मेंशन करिए आप किस डेट पे उस चीज़ को करा रहे हैं। फिर उसके बाद है टॉपिक। अब टॉपिक में कैसे लिखना है आपको, जैसे मैंने दिया है राइट नंबर्स 1 to 100, तो आप यहाँ टॉपिक डालिए। आप पेन यूज़ कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर यूज़ करना चाह रही तो, अगर पेंसिल यूज़ कर रही हैं तो पेंसिल भी। तो राइट नंबर्स, और हाँ पेरेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक आप डालेंगे आप अपने मर्जी से नहीं डालिएगा। आप जो है जो टॉपिक डाल रहे हैं वो आप जो भी वीडियोस अपलोड हो रहा है उसमें टॉपिक रहता है, तो आप उसको देख सकते हैं, और बाकी वीडियोस में तो ये भी दिख रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो राइट नंबर्स 1 to 100 ऐसे टॉपिक डालिए। अब बच्चे को बताइए कि लिखना कैसे है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते, जैसे कि मैंने बताया कि बॉक्स को छोड़ना नहीं है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए 1, 2, बच्चे को लिखाना शुरू करिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब ये मैंने बताया सीक्वेंस, इसमें मेरे एक भी बॉक्स नहीं छूटे हुए हैं। सेम ऐसा आपको भी करना है कि बॉक्स को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ से ये 10 फिनिश हुआ, यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, 30। ये ऐसे पेरेंट्स प्लीज़ ऐसे ही लिखाइए, 30, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, 50। अब आपको करना कितना 100 तक, तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 60, 61,
62 63 64 65 66 67 68 69 और 70 70 70 71 72 73 84 85 86 77 78 79 और 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100 ये आपका ऐसे 1 से लेके 100 तक पूरी काउंटिंग हो गई, नंबर्स हो गए। तो पेरेंट्स प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए कि कैसे करना है, सेम बच्चे को ऐसे ही कराइएगा, ठीक है पेरेंट्स? ओके, बाय बाय।